के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चैत्र रामनवमी के पावन अवसर पर 13 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर आएंगे सीएम योगी, करेंगे कन्या पूजन, यज्ञ हवन व कीर्तन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। मंदिर के मीडिया सेल ने दी जानकारी। मतदाता जागरूकता हेतु जनपद स्तर पर स्वीप एवं इलेक्ट्रोरोल लिटरेसी क्लब के कार्यों का 13 अप्रैल को दीक्षा भवन में मुख्य चुनाव अधिकारी करेंगे समीक्षा। कमिश्नर और डीएम ने लिया कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा। रिटर्निंग ऑफिसर की अध्यक्षता में मतदान कर्मियों का निर्वाचन कोड किया गया ऐलान। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में बड़हलगंज का लाल हुआ शहीद, गाँव में मचा कोहराम। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनजर एसपी रेलवे पुष्पांजलि की अध्यक्षता में जीआरपी गोरखपुर व मुजफ्फरपुर अनुभाग की समन्वय बैठक हुई संपन्न। लोकसभा चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक संपन्न कराने की बनी सहमति। संयुक्त टीम गठित करके अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। मेगा मॉक एक्सरसाइज में एनडीआरएफ की 11वीं वाहिनी ने दिखाए आपदा में बचाव के दिल दहलाने वाले तरीके, कहा कहीं जाए तो अफवाहों पर ना दें ध्यान, खुला रखें आंख और कान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को किया रवाना। केक काट कर धूमधाम से मनाया गया गोल्ड जिम का सेकंड एनिवर्सरी। मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर अर्जुन तालियान सहित डीएम भी रहे मौजूद। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष पद पर 2 तथा महामंत्री पद पर 5 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। मतदान व मतगणना 26 को। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्सों ने बनाई मनमोहक रंगोली, स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। चैत्र रामनवमी पर दी कमिश्नर कोल्ड बार एसोसिएशन द्वारा फलाहार का किया गया आयोजन, मंडलायुक्त हुए शामिल। नवरात्रि पर मंदिरों पर उमड़ रहे भीड़ को देखते हुए महिला थाना प्रभारी ने मंदिरों के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। महिला पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, का मां भक्तों को ना आने पाए कोई दिक्कत। और नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे की नजर में होगा जिला अस्पताल का इमरजेंसी, दलालों और उपद्रवियों पर रहेगी तीसरी आंख की पैनी नजर।